परेशानी है, हम आपको नहीं बोलेंगे, हमें परेशानी है। आपने कैसे बोल दिया, आपने कैसे बोल दिया, यू आर पब्लिक सर्वेंट, यू आर बात करो, फिर हमें परेशानी है, हम आपको नहीं बोलेंगे, हमें परेशानी, आपने कैसे बोल दिया, आपने कैसे बोल दिया, यू आर पब्लिक सर्वेंट, वी आर पब्लिक, वी आर पब्लिक, वी आर पब्लिक, यू आर पब्लिक सर्वेंट, हाउ डू यू से दैट आई एम इनफ्रंट यू ऑफ, हाउ कैन यू से, आई एम वेरी बॉस, नो इंग्लिश बार के ना मेरे सामने वो नहीं करना, पढ़े लिखे हम भी हैं, अकेले पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप पटवारी हो हमारे सिर के, हमारे सिर के बल चढ़ोगे, हमारे सिर के बल, आपने गलत वर्ड किया, आपने गलत, हाउ कैन यू से दैट आई एम इंटरव्यूइंग योर जॉब, यार आप कह रहे क्यों आए यहाँ पे, अब जो आप कवच बन रहे हो, आप नाई के कवच बन रहे हो, आपका मैटर नहीं है, ये आपका मैटर नहीं है, नहीं लिखा है ना, तो बस बात खत्म, आप जाओ फिर, आप जाओ फिर, हम हम रोड पर नहीं सर, आप जाओ, यार आप आज पूछ रहे हो यार, आज क्यों आए, सवाल पूछा, हमारा कर्तव्य है, मगर ये क्यों ऐसा, थैंक यू, अब ये क्या बात हुई, थैंक यू, ये क्या बात हुई, दादाजी थैंक यू, ये क्या बात हुई, थैंक यू सो मच, अब जॉब पर बात हम देखेंगे, हम करने का, हम पता क्या करना, सर रखे हुए उन्होंने, ट्रेन बंदे नहीं है, इसका मतलब वो ट्रेन बंदे नहीं है तो आके हमारा बर्बादी कर देंगे वो लोग, जहाँ से बोल दिया इसका कोई फंड नहीं है, फिर इसका किसका कोई फंड नहीं है, ये निशाना कोई फंड नहीं है, ये जोर जबरदस्ती होगी सर, कोई बात इन्होंने किसी ने कुछ नहीं करना, हमें रोड बंद करने का कोई फायदा नहीं, क्या बात है, बुलाओ बुलाओ उनको, रोड वाले बुलाओ, उसमें जितना तोड़ना तोड़ लो, आगे हम तोड़ने नहीं देंगे, नहीं करोगे, हमने अभी के अभी रोड बंद कर देनी, हमें काम लगा, और ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे हमने भी काम नहीं लगा, उसके बावजूद आपको और जगह चाहिए आगे बिना कंपनसेशन के, एक चीज बताओ मुझे, ये नाला यहाँ है, ऐसे पूछ रहा हूँ, नाला यहाँ है, ऊपर से ही है ना, नाला तो जहाँ है उधर रहेगा, मुझे कोई नहीं पता, नहीं यहाँ क्या, खुद आगे जवाब देगा किसका करना है क्या नहीं करना, या वो निशान फाइनल है या ये निशान फाइनल है, उधर तो है निशान, निशान ये फाइनल, अच्छा साहब वो बताओ फाइनल कौन सा, ये फाइनल है वो फाइनल है, तो ये क्यों बनेगा, टूटने के बाद बनेगा, टूटने के बाद बनेगा, टूटने के बाद बनेगा, टूटने के बाद बनेगा, मैं और कोई काम कैसे, क्या बातों को बनाते हो, कौन धक्के खाता रहेगा डिपार्टमेंट के पीछे, रोड बना रहे हो यार, नहीं सब कुछ कर रही है, आप ही गलत कह रहे हो कि वो अनट्रेन बंदे वो लोग, मेरे हिसाब से निशान लगाए पहले कुछ बोला होगा, तो फिर अभी भी तोड़ रहे होंगे, कल तोड़ रहे होंगे, हो सकता है, मैं भी क्यों, आप खुद मान रहे हो कि वो अनपढ़ लोग हैं, नहीं मान रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ, आप खुद अभी आपने खुद बोला भी कि वो अनट्रेंड लोग हैं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा सारे इतने बंदे खड़े हैं सबके सामने आप बोल रहे हैं, नहीं आप गलत बोल रहे हैं सर, गलत बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि सब लोग ट्रेंड नहीं होते, हाँ वही तो अनट्रेंड बंदे ना, वो सब लोग अच्छा साहब, किसी ने मैंने तो नहीं लगाया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, जिम्मेदार हूँ उसके लिए, तो फिर आप क्यों आए, आपने बुलाया, मैंने मेरा आप ड्यूटी है यहाँ पे, यू आर कमिटिंग इंटरफेरेंस इन माय ऑफिशियल वर्क, सही गलत बात करो, फिर आप गलत बात करो, क्यों गलत बात करो, इंटरव्यू कर रहे हो, हमें परेशानी है, हम आपको नहीं बोलेंगे, हमें परेशानी, आपने कैसे बोल दिया, आपने कैसे बोल दिया, यू आर पब्लिक सर्वेंट, वी आर पब्लिक, वी आर पब्लिक, वी आर पब्लिक, यू आर पब्लिक सर्वेंट, हाउ डू यू से दैट आई एम इनफ्रंट यू वर्क, How can you say? How dare you say this? How dare you say this? No, I will not listen. How dare you say? How dare you say that? I am interfering. Why you came here? Why you came here? Why you came here? Why you came here? I am a public servant. You are public and I am public. I am very boss. No, English bar ke na? मेरे सामने वो नहीं करना. पढ़े लिखे हम भी हैं. अकेले पढ़े लिखे नहीं हो. अगर आप पटवारी हो, हमारे सिर के पर चढ़ोगे. हमारे सिर के बजे आपने गलत वर्ड किया, आपने गलत, हाउ कैन यू से दैट आई एम इंटरफेरिंग योर जॉब, यार आप कह रहे हो क्यों आए यहाँ पे, अब क्यों आए, वही बोल रहे हो आप, क्या मेरी ड्यूटी नहीं, मेरी ज्यूरिडिक्शन है, आपने बोला मेरे, आपने बोला मेरा, आपने रिकॉर्डिंग है, आपने कहा मेरा काम नहीं है ये, बिल्कुल आपने कैसे कहा, आप ऐसे दादागिरी नहीं करेंगे सर, आप दादागिरी नहीं करेंगे, फिर नहीं है तो क्यों आए, यार आपने बोला नहीं है तो क्यों आए,
जब आपका कंसीडर आपका मैटर नहीं था तो आपको आके बीच में लुकअप भी नहीं करनी चाहिए थी। आपने लिखा पुतला आप कवच बन रहे हो, आप नाई के कवच बन रहे हो, आप ढाल बन रहे हो उनकी। आपको नहीं आना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए। आपको अगर आपका मैटर नहीं था, आपको मेरे पास सुनो पटवारी साहब, आप हमारे भाई हो, अगर आपका मैटर नहीं था आपके आपके ऑफिस में नहीं पूछ सकते मुझे आप क्यों आए। आपके ऑफिस आपने बोला कि मेरा काम नहीं, मेरे तब क्यों आए। और आपके ऑफिस में आके अगर हम आपका काम रोके तो आप कैसे लगे मेरा काम पे इंटरव्यू करे। यहाँ पब्लिक के बीच में आप आ रहे हो और मुझे बोल रहे हो मेरा काम नहीं लगा, मैं क्या बोलेगा भाई? नहीं आप बोल रहे हो कि मेरा काम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? जाओ सर। मैंने कहा मेरा काम, मैंने कहा ये जो निशान लगाना है मेरा काम नहीं था। मैंने तो नहीं किया। जाओ फिर आप बात नहीं किया। फिर आप मेरे कहा आपका काम नहीं लगा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आपने तो पसीने छुड़ा दिए यार मेरी बगैर किसी वजह के। नहीं मैंने आपसे पूछा, गुनाह हो गया? मैंने गुनाह नहीं लगाया, क्राइम कर दिया। लेकिन जो आपने क्राइम कर दिया, आप क्यों आए यहाँ पे? आपने कहा मेरा काम नहीं, इसलिए बोला। मैंने कहा निशान लगाना मेरा काम नहीं है। फिर आपको नहीं आना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मेरा काम नहीं है, वो निशान लगाना तो मैं यहाँ नहीं आ सकता यार। किसी के घर के, किसी के घर के अंदर बिना हमारे परमिशन नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। वो घर है, वो घर के अंदर गए हो, दरवाजे के अंदर हमारी परमिशन से गए हो, बिना परमिशन के नहीं जा सकते आप। क्या बात करते हो, पटवारी हो, सर्वेंट हो, अगर पब्लिक तो आप किसी घर में बिना बोले बिना पूछे नहीं जा सकते। आप गलत कह रहे हो। आप जा सकते हो किसी घर में? जिसके घर में गया उसको पूछो। नहीं गए हो, हम हमारे साथ गए हो आप, हम ले गए आपको। उनको पूछो, हम ले गए आपको। आप ले गए? हम ले गए सर। आप ले गए? हम रिप्रेजेंट करते इस एरिया के अंदर। हम रिप्रेजेंट करते हो इसका मतलब कि मैंने पूछ लिया। बस बस अगर आपने अलाउ किया ना मुझे तो इसका मतलब मैंने पूछ लिया। आपने कहा ना मुझे, आपने कहा ना मुझे मैं रिप्रेजेंट करता हूं। आपने अलाउ किया? जितनी बहस आप यहाँ कर रहे हो उतनी बहस हमारे लिए कर लेते हो थोड़े कागज पत्र में, तो इतनी परेशानी होती। मैं करता हूँ, कुछ नहीं करता। आपको समझ में नहीं आता और समझ में निशान निशान लगा के आप बोल रहे हो कि निशान कर। खुदा के बंदे मैंने ये कह रहा हूँ कि मैंने नहीं लगाया। डॉक्यूमेंट के हिसाब से निशान लगे, बस मेरा ये कहना है। हवा में तो नहीं लगा के? मुझे नहीं पता। हवा में तो नहीं लगा के? नहीं पता। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से निशान लगे होंगे, चेक करेंगे। किस तरह से देखते हैं, काफी बहस हुई है आपकी और यहाँ पे जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं, क्या मामला है और किन किन लोगों की जगह जो है वो एक्स्ट्रा ली जा रही है? सर पहली बात तो ये बड़ी देर से हमारे मेरे कंसर्न में थी कि ये यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है कि आपको बता दूं, जब ये रोड का निरीक्षण हुआ था, पटवारी ने डॉक्यूमेंट बनाए होंगे, हैंड ओवर किया होगा नाई वालों को, फिर नाई वाली की टीम आई, उन्होंने एक प्रॉपर निशानदेही कर दी। तब लोगों ने बड़ी आवाज उठाई कि हमारे टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो सब सेटल हो गया। उसके बाद क्या होगी, काम चल पड़ा। अब देखो 50% काम यहाँ तक आ गया। अब आज दो चार दिन से आगे कह रहे हैं कि जो निशान लगा उसे 10 फुट और अंदर जाओ। मतलब मैं हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि किस आधार पे आप ये कह रहे हो कि 10 फुट अंदर जाओ, जब निशान लग चुका है, उस हिसाब से कंपनसेशन मिल चुका है, कईयों को मिला कईयों को नहीं मिला, तो आप कैसे कह रहे हो? उसके तहत हमने पटवारी को बुलाया था। आपने देखा होगा पटवारी साहब पहले हमें डराने की कोशिश करने लगे कि हम इनको डराएंगे, धमकाएंगे, नहीं जी टूट जाएगा, ये है वो है जो है, तो हम डरने वाले में से है नहीं है। हमने अपनी आवाज को बुलंद करना है, हमने अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, अपने लोगों को बचाना है। तो उसके लिए पहले बहुत बहसाबाजी की, इन्होंने मान नहीं रहे, कहते नहीं, कभी कह रहे कि वो लोग अनटेंड लोग हैं, कभी हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बोल रहे कि नहीं जी जो निशान अब जो नया निशान है उसके साथ टूटेगा। हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि कोई आधार तो बताओ, कोई कागज तो बताओ जिसके तहत टूटना है। तो कुछ नहीं है, आपके सामने सब कुछ है। अब देखेंगे, हमारा अगर मसला सॉल्व नहीं होगा तो हमारे पास वही आखिरी बचा हुआ एक बार डीसा से, डीसा तो एक बार हम ये मुद्दा बताएंगे कि ये बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर हमें मजबूरन रोड जाम करना पड़ेगा। जी पटवारी साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपकी समाज सेवी सुखदेव सिंह के साथ कुछ नोकझोंक हुई है सड़क पर और एक्सप्रेस हाईवे को लेकर बहसबाजी भी हुई है, किस तरह से देखते हैं, क्या पूरा मामला था? नोकझोंक नहीं हुई है, ये हमारा थोड़ा सा बात करने का जो है सरपंच साहब का ऐसा हुआ है, तो पब्लिक ये रिप्रेजेंटेटिव है तो इसमें कोई वो नहीं है। तो ऐसा है कि एक्सप्रेस वे से लेकर थोड़ा सा निशान लगाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वो टीम आएगी तो उसको जो है हम भी अपने यहाँ से रेवेन्यू वाले भी जाएंगे मौके पे, तो देख लेंगे यहाँ पास में ही तो है, तो देखेंगे कि कहाँ किसका कितना आता है, क्या आता है, जिसका जितना आता है वो उसका उनको बता देंगे कि भैया यहाँ से ले लो आप, तो बाकी जिसका हमने पेमेंट नहीं किया है किसी को उसका क्यों, मतलब हम किसी को हरास करेंगे, तो ये इसी बात है, बाकी और नहीं है। जैसे कि आपने कहा है कि जिन लोगों की निशानदेही दोबारा से हुई है उनको पेमेंट भी नहीं मिली है, और आपने एक और बात वहां पर कही है ऑन द कैमरा कि जो लोग आए थे निशानदेही करने वो नौसिखिया लोग थे, मतलब वो उन लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी, किस तरह से देखते हैं इस चीज को? नहीं, ये तो नहीं कह सकता है, मैं कह सकता हूँ, मैं ये कह रहा था कि भाई
ये जो सर आपने ऑन द कैमरा कहा है कि वो जियो टैगिंग जियो गूगल पे जो कर रहे थे टैगिंग वो मैंने अपने लिए कहा नहीं आपने कहा कि नेशनल हाईवे की तरफ से जो लोग आए थे उन्हें पता ही नहीं मैंने कहा ये नहीं कहा मैंने सर मैंने ये कहा आपको मैंने सर फिर आप ऑन द कैमरा ही जो है चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं सबमिशन सुनिए ना मैंने ये कहा कि आजकल वो जियो रेफरेंसिंग वगैरह कुछ ऐसा निकला है तो सारे